ये रहा आपका कमरा। इस 10x10 के कमरे के लिए आप मुझसे 10,000 रुपए मांग रहे हैं? तो इतने अरमान पहुंचा अबीरा के पास। इस तरह का कहा था सीरियल देखना काफी धमाकेदार होगा। दोस्तों सीरियल में आप देखेंगे कि अरमान अबीरा को लेकर बहुत बेचैन हो जाता है और अबीरा को ढूंढने निकल जाता है। अबीरा अपने मकान मालिक से बात करती है और अरमान सुन लेता है और अरमान अबीरा के पास पहुँच जाता है। अरमान दोनों की बातें सुन लेता है। अरमान मकान मालिक को पैसा देता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। अबीरा अरमान को देख चौंक जाती है और अरमान से बोलती है, तुम मेरे पीछे करते करते यहाँ तक आ गए, जाओ अपने परिवार के पास जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। लेकिन अरमान अबीरा से बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन अबीरा बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरमान अबीरा से बोलता है, अबीरा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हें गलत समझ लिया, लेकिन सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अबीरा तुम मुझे माफ कर दो। दोस्तों अब देखना यह है कि क्या अबीरा माफ करेगी अरमान को। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इतनी बेइज्जती सहने के बाद अबीरा को पोदार हाउस वापस आना चाहिए या नहीं अपना।